तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम बैक आवर चैनल। और मैं सामान ले आई हूँ अभी मॉर्निंग में ही, सारा पूजा से रिलेटेड। कन्हैया का भी थोड़ा बहुत ले आई हूँ, अब फिर कॉटन का लाई हूँ। गर्मी बहुत है तो कॉटन का ही लाई हूँ। वो वाले तो बहुत है, थोड़ा सा लगा है, लेकिन ये है कॉटन ही। और बासुरी लाए हैं, थोड़ा बहुत तो ले ही आए हैं। ये प्यारी सी है और इनका छोटा सा आसन है। ये ख़राब हो जाते बहुत जल्दी, ये अच्छे लगते हैं। और ये है, एक ये मुकुट है ऐसा और एक ऐसा नीला लिया इस बार। और अभी जन्माष्टमी वाले दिन भी मुकुट उकुट तो आएंगे ही, मुकुट माला सारा कुछ। ये खो आए थे जब हम गए थे झांसी, तो बहुत सारा गिरा रहे थे। यह फूल जो आज की पूजा है अभी कर लेते हैं, इधर भी कुछ कर देते हैं, साफ सफाई यहीं कर लेते हैं क्योंकि यहीं सब बैठे हैं। वो जो थापे लगती वो नहीं लगाएंगे, बाकी मटकी रख देंगे, भर देंगे, अनाज कर देंगे, कन्हैया को सजा दें। कन्हैया मेरा सो रहा है, ये लाए हैं। और पोछा लगाएंगे यहाँ तो लगाते पूरे में चले जाएंगे। सिंगाड़े का मखाना थोड़ा ही लाएँ, ये खीर भी बनाएंगे और सब बना के। ये रहता है, मुड़ मुड़ा जाता है, एक बार मिढ़ा के रख लें तो बार बार ना लाना पड़े। क्यों जी, पूजा हो गई समाप्त, चलते हैं। कुछ खुद को भोग लगाया जाए। मेरे मायके में पूजा नहीं होती थी, हम लोग जन्माष्टमी व्रत रहते थे। शादी के बाद भी रहे हैं, जब तक ये बड़ा बेटा नहीं हुआ है उसके बाद जन्माष्टमी छूटा है, तो ये पूजा की विधि मुझे नहीं पता थी। जैसी देखी है वैसी कर दे रही हूँ। वहाँ तो यहीं चले आए थे, तो जब तक जा पॉसिबल था जाते थे दोनों को लेके। फिर बड़ी भगदड़ हो जाती थी, यहाँ सारा समेट के रखो, भागे भागे जाओ। दूसरे दिन फिर अर्ली मॉर्निंग वहाँ से चलिए, बच्चों को रेडी करके टिफ़िन बनाइए, फिर पहुँच के स्कूल छोड़िए, फिर यहाँ आइए, तो बड़ा लंबा हो जाता था। तो वैसे पूजा मैं कर लेती हूँ। वैसे तो दोना बनाते थे, घुरकियाँ होती हैं छः हरछठ की, और बच्चे जितने हों बेटे तो उस हिसाब से करके उनको सतनजा भर दिया है। दोना ना बना के पत्तल में रख दिया है, दही और समा के चावल, तो वही खाने भी होते हैं। पहले मैं नहीं खाती थी, इस बार लाई हूँ। हल षष्ठी की ढेर शुभकामनाएं। काफ़ी लेट हो शुभकामना मिलेगी, लेकिन सही है। तो अर्ली मॉर्निंग में हम लोग आए थे, तो वहीं सामान भी ले आए थे। रात में आए थे, रात में सामान लेने जाते, उससे पहले बारिश भी बहुत जम के हो रही थी, तो ये प्लान बना कि मॉर्निंग में ले आए।
मॉर्निंग वॉक पे, तो वहाँ से लेके सामान आए। सामान आके ये अपने नीचे बियर्ड और हेयर जो भी करना था उनको करा, नहाया, मैंने भी नहाया धोया, पूजा करा। जब तक मैंने ये सब करा तब तक वो भी नहा धो के आ गए, मैं भी बैठ गई, मखाने भुने, चाय चढ़ा दी, साथ में पिया गया, उन्हें ब्रेड सेक दी थी, ब्रेड खा लिए, मैंने मखाना के साथ लिया, फिर खाना चढ़ाने दिया। बोले हल्का ही फुल्का बनाना, बहुत चक्कर में ना पड़ना, बारह पे निकल लिया जाएगा, यहाँ घुमा जाएगा वहाँ। तो हमने कहा देखते हैं, फिर खाना ही बनाया, तो देखिएगा बनाया, बेटे को नाश्ता कराया जाके, खाना बना के फिर इन्हें भी खिला के बर्तन ये धो रही हूँ। और जल्दी जल्दी में मैं भूल गई कि एप्रन ले लूँ, एप्रन टांगने के बजाय साफ़ सफाई में वो कहीं फोल्ड धुल के रखा हुआ है और टाइम लगता है इसमें, तो धुल दिया। अब ये मैं रेडी हुई थी तो वो सब बेकार गया, तो दूसरा चेंज करना पड़ेगा। तो ये सब कर करा के हम लोग निकल लेते हैं 12 पे, 12:30, 12:15 हो गया था, 1 पे मूवी थी। बोले जल्दबाजी कोई नहीं, आराम से चलो, हड़बड़ नहीं करना। अब हड़बड़ क्या, अब टाइम पूछ लेते हैं, उसी हिसाब से काम करते हैं। अगर और जल्दी कह दिया निकलो तब हड़बड़ होती है, उसमें कोई हड़बड़ ही नहीं थी, रेडी हो गए आराम से और नीचे बैठे। हम सोचे बुलाएंगे, तो हमने कहा आप क्या करें, कुछ खा लिया जाए, चावल बना लिए थे अपने लिए आए थे, चावल बनाया और थोड़ा सा लेके ही बैठे थे। ऊपर से आवाज़ दिया, आऊँ क्या? तो बोले हाँ मैं तो बैठा ही हूँ। जल्दी उसको फ्रिज में रखा, तो बस इतना मेरे पेट में था। वैसे बैठे पैर करके।